हाय गाइस, आज का हमारा लेक्चर IFRS के बारे में, यानी कि IFRS का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और IFRS की क्या नीड हुई, किस नीड के लिए IFRS को लेके आया गया। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ किस चीज के लेके आया गया, तो आप सोच रहे हैं कि होता भी क्या है, तो इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे कि हमारा IFRS क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू IFRS के बारे में आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को बगैर अपने टाइम को वेस्ट किए हुए। तो देखिए जी, हमारे जो IFRS की फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। पिछले हमारे लेक्चर में हमने एक बात की थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, यानी कि जिससे कि हम AS से इंडिकेट कर रहे थे, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका कि सबसे पहले क्या लगता था, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था, जो कि IFRS से पहले इंडिया में लगाया जाता था। यानी कि हम कोई भी अकाउंट अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे, वो तो क्या था जी, हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि इंडिया का जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था। अब बात यह है कि जी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS को क्यों लेके आया गया, क्या जरूरत पड़ी थी कि भाई IFRS को हमें लेके आना पड़ा। IFRS का मीन्स इतना होता है कि जब हमारे जो बिजनेस है ग्लोबलाइज हो जाए, जब हमारा बिजनेस क्या है अदर अदर कंट्री के साथ में किया जाने लगे, यही इसकी जरूरत थी, यही इसकी नीड थी कि हमारे आधुनिक युग के कारण जो हमारा बिजनेस था, जो बिजनेसमैन थे, वो उन्होंने क्या किया कि अपने बिजनेस को बढ़ा करके कहां कर दिया जी, ग्लोबलाइज कर दिया, और उनका बिजनेस कहां पर होने लगा, अलग अलग कंट्री के अंदर होने लगा। अब आप सभी को पता है कि अगर अलग अलग कंट्री में अगर बिजनेस होता है, अगर अलग अलग कंट्री में ट्रांजेक्शंस होती है, हमारे व्यवहार होते हैं, अगर हम बिजनेस करते हैं, तो अलग अलग कंट्री का क्या है जी, अलग अलग स्टैंडर्ड होता है अकाउंटिंग करने का। जिस प्रकार से हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था इंडिया का, उसी प्रकार से अलग अलग कंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था। एक हिस्ट्रिकल अगर मैं आपको बात बताऊं, तो जो हमारे IFRS है सबसे पहले कहां पर लाया गया था, यूरोप में लाया गया था, उसके द्वारा ये सबसे पहले अपनाया गया था कि जी हम IFRS के जो स्टैंडर्ड हैं उनको हम अपनाएंगे। उसके बाद में क्या हुआ कि सभी ने क्या किया, जो देखा देखी चल गई, और उसके बाद में सभी ने क्या है IFRS को मानने लगे, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करने लग गए। यानी IFRS का मीन्स इतना ही है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमारे बिजनेस की यूनिट है और हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है, तो हम क्या फॉलो करते हैं, IFRS के स्टैंडर्ड जो है फॉलो करते हैं। अब सेकेंड बात यह है कि इनको किसने बनाया था, भाई IFRS को बनाने के लिए कोई एक ऐसी कमेटी होगी जिसने कि IFRS को बनाया है, तो उस कमेटी का नाम है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड है, उसमें सभी कंट्री के एक एक पर्सन होते हैं, चीफ जो होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो एक बोर्ड के अंदर बैठते हैं, अलग अलग कंट्री के, हर कंट्री से एक बंदा बैठता है, जिसमें कि हमारे इंडिया का भी एक बंदा है, यूरोप का भी एक बंदा है, अमेरिका का भी एक बंदा है, चीन का भी एक बंदा है, यानी हर कंट्री के एक एक जो पर्सन है वो उस बोर्ड में बैठे हैं, और वहां पर क्या करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं कि इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड है उसको रेगुलेट करते हैं, और इसी के कंट्रोल पर क्या चलती है जी, हमारे IFRS के जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। मीन्स हमारी जरूरत कहां पड़ी IFRS की, हमारी जरूरत IFRS के इस स्टैंड पर पड़ी है कि भाई हम जब अपनी बिजनेस को ग्लोबलाइज कर दिया, हमने अपने बिजनेस को, तो वहां पर हम कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को माने, जहां एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हो, कॉमन हो, सभी के अंदर कॉमन हो, कॉमनिटी हो उसमें, और सेकंड वन उसमें यूनिफॉर्मलिटी हो, यानी कि एक समानता उसमें होनी चाहिए, वो हमारा क्या माना जाता है जी, IFRS माना जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS। इतनी हमने बात कर ली, इसके बाद में हमारी ये बात है कि जी हमने IFRS का मीनिंग जान लिया कि इसका मतलब ये है कि एक ऐसे स्टैंडर्ड है जो कि अगर हम ग्लोबलाइज करके अगर हमारा बिजनेस कर रहे हैं अदर कंट्री के साथ, तो उनके साथ में जो व्यवहार होंगे एक समान व्यवहार होंगे, जो स्टैंडर्ड बनेंगे अकाउंटिंग करने के, अकाउंटिंग प्रोसेस को करने के, तो वो हमारे जो स्टैंडर्ड हैं। अच्छा जी, हमने इतना जान लिया। अब हमारी जरूरत इसी जगह पर पड़ी थी कि भाई जरूरत की अगर हम बात करें कि भाई हमें किस लिए नीड पड़ी IFRS की, तो नीड भी इसीलिए है कि भाई जो हमारे
अदर कंट्री के साथ में जितने व्यवहार किए जाते थे, तो अलग अलग जो अगर स्टैंडर्ड हैं तो उससे हमारा काम नहीं चलता। एक समान का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उसके लिए हमें क्या लाना पड़ा जी, IFRS लाना पड़ा। सेकेंडली बात कि इसको बनाया किसने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एक कमेटी है उसने जी इसको बनाया है। सेकेंड वन अगर हम यहां पर बात करें तो हमारी ये बात जो है ये है कि भाई इसके क्या बेनिफिट हुए। बेनिफिट क्या थे कि हमारे अकाउंटिंग जो IFRS जो लेके आया गया उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। इसमें अगर हम बात करें IFRS के लाभ के बारे में, एडवांटेज के बारे में, तो इसमें सबसे पहले थी अनफॉर्मेलिटी यानी कि एक समानता। IFRS के जो स्टैंडर्ड थे वो इस अकॉर्डिंग बनाए गए थे कि सभी के लिए क्या हो जी, एक समान हो, सभी जो लोग हैं उसको समझ पाए, अदर अदर जितनी भी कंट्री है जो सभी कंट्रियां हैं वो इस चीज को समझ पाए और इसको रेगुलेट कर सके। सेकंड वन जी हमारे यहां पर बात थी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया जी, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि जो हमारे अलग अलग कंट्री के साथ में व्यवहार किए जाने लगे तो क्या है, ग्लोबलाइजेशन इसमें होता ही होता है, ये इसका एक एडवांटेज है जी। सेकंड वन मोर ट्रांसपेरेंसी इनकी अधिक पारदर्शिता, अधिक पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब क्या होता है कि जो दोनों तरफ से एक समान दिखे, वो क्या होती है पारदर्शी, जिस प्रकार की हमारे एक शीशा होता है उसमें उस साइड का भी दिखता है इस साइड का भी दिखता है, तो पारदर्शिता का मतलब यही है कि जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो क्या है, सभी को पता लगे, सभी कंट्री को पता लगे, सभी नागरिक को पता लगे, तो जितने भी कंपनी के ओनर होते हैं उनको सभी को IFRS के बारे में पता हो, इस प्रकार से इनको रेगुलेट किया गया था, जितनी भी हमारी कंट्री है वर्ल्ड के अंदर सभी को ये लागू किया जा सके और सभी को ये समझ में आ सके, इसलिए इसका एक बेनिफिट माना जाता है मोर ट्रांसपेरेंसी। अच्छा जी सेकंड वन इसमें हमारा क्या बात है कि जी बेनिफिट है कंपेरिजन, विश्लेषण में आसानी होती है, क्योंकि अगर हम कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं कि जो हर व्यक्ति एक ही चीज को मान रहा है तो इसका मतलब क्या है जी, कंपेरिजन हम कर सकते हैं, हमारे प्रॉफिट में, हमारे लॉसेज में, हमारी जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है उनके अंदर हम कंपेरिजन कर सकते हैं। अगर कोई जो कंट्री है वो किसको मान रही है जी, IFRS को मान रही है, अगर IFRS को मान रही है तो एक ही रूल है, एक ही स्टैंडर्ड है सभी के लिए, तो उसमें क्या है कंपेरिजन बहुत ही आसानी से हो सकता है। अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है जी, इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसानी होती है, क्योंकि एक समानता होती है तो समझने में क्या होती है जी, आसानी होती है, सभी लोग क्या है इस चीज को समझ पाते हैं। आई होप आप यहां तक इस बात को समझ चुके हैं कि हमारे IFRS क्या होता है। मीनिंग छोटा सा है, पहले क्या होता था कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपनाया जाता था, उसके बाद में जो हमारे ग्लोबलाइज हुए हमारे बिजनेस, हमारे अलग अलग कंट्री के साथ हमारे व्यवहार होने लगे, सिंपल सिंपल बात है, अगर हमारे व्यवहार होने लगे तो हमें क्या था उनके जैसा ही एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना था, तो उसको बनाने के लिए हमने क्या किया, IFRS का प्रयोग किया था, इसका मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि हमारे अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग चलने लगा। इसको बनाता कौन है, बनाता है जी IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो हमारे बोर्ड होते हैं उसके जो मेंबर होते हैं वो इसमें क्या है दिशा निर्देश देते हैं हमें, रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं कि भाई किस प्रकार से कौन कौन से स्टैंडर्ड हमारे यहां पर होने चाहिए। इसके बेनिफिट ये थे कि भाई हमारे IFRS की नीड तो ये हुई, बेनिफिट क्या है जी, हमारे बेनिफिट थे ये वाले। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।